वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर पॉइंट ज्ञानी। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन। दोस्तों जो आज का वीडियो हो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि बॉयलर एरिया में काम कर रहे हैं या बॉयलर ऑपरेट करते हैं या बॉयलर डीसी से ऑपरेट करते हैं, बॉयलर शिफ्ट इंचार्ज हैं। दोस्तों काफ़ी कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन क्या है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। सो हमारे एक YouTube सब्सक्राइबर ने हमसे ये रिक्वेस्ट किया है कि सर थोड़ा इसके बारे में बताइए। दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है बॉयलर सर्कुलेशन रेशो। दोस्तों बॉयलर सर्कुलेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है और इसको होने में क्या क्या चीज़ें इसको सपोर्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यदि इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर आपको पावर प्लांट से रिलेटेड, ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड काफ़ी टेक्निकल वीडियो मिलते रहते हैं जो कि आपके आने वाले करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों यदि आप नए हो तो प्लीज़ नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिले और आप उनसे जल्दी बेनिफिट उठा सको। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो कुछ मैंने जनरल अरेंजमेंट बनाया है बॉयलर का, तो इसमें आप सभी को पता है क्योंकि आप बॉयलर एरिया में काम करते हो तो इसमें क्या क्या लगे हुए, थोड़ा सा फिर भी मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ क्योंकि आगे चलकर क्या है ये सारी चीज़ें यूजेज होंगे तो सो दैट आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्या है, ये मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग बीएफ बनाया है जो कि बॉयलर फीड पम्प है, और ये क्या है इकोनोमाइजर है, और उसके बाद क्या है ये हमारा स्टीम ड्रम है, ये जो है ये डाउन कॉमर्स है, मैं साथ साथ में लिखता जाता हूँ, ये क्या है अपनी डाउन कॉमर, और ये क्या है अपना, और इसको हम बोलेंगे जो ये आप हेडर टाइप देख रहे हैं चारों तरफ, ये क्या है हमारा बॉटम रिंग हेडर, और ये दोस्तों जो ये लाइनें से मैंने बनाई क्या है ये है वाटर वाल पैनल, वाटर वाल पैनल। पैनल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि नंबर ऑफ ट्यूब क्या है एक साथ चिपकी हुई होती है, एक साथ वेल्ड की जाती है विद द हेल्प ऑफ एक मेटल स्ट्रिप। तो क्या है ये बंचेज ऑफ ट्यूब को हम क्या है जो कलेक्शन ऑफ द बंचेज ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड द वाटर वाल पैनल्स। तो दोस्तों इसमें क्या है ये इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा इफेक्टिव दिखाने के लिए मैंने ये स्क्रू फिटर का अरेंजमेंट है, कॉल बंकर का है, मेन स्ट्रीम लाइन है जो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी और फाइनल ऑपरेटर है, इसकी अरेंजमेंट है। और ये टिपिकली आप देखा जाए तो ये क्या है जो हमारा ट्रेवलिंग रेट बॉयलर होता है उसका ये एक सिंप्लीफिकेशन डायग्राम है। तो दोस्तों हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि सर्कुलेशन रेशो, सर्कुलेशन रेशो क्या होता है। तो दोस्तों सर्कुलेशन मीन्स दैट कि किसी चीज़ का सर्कुलेशन और किसी सर्कुलेशन मतलब मीन्स दैट कि किसी दो चीज़ों का जो रेशो होता है उसका जो आउटपुट होता है उसको क्या है सर्कुलेशन बोला रेशो बोला गया है। उसमें क्या क्या है मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। तो देखो सबसे पहले क्या है कि जो हमारा बॉयलर फीड वाटर लेता है वो क्या है डेटर से सक करता है। तो दोस्तों डेटर से सक करता है तो मीन्स दैट कि डेटर में आपको देखोगे ऑलरेडी से क्या है वो प्री हीटिंग की हुई होती है। आपने देखा होगा या तो कई बार क्या है पीआरडीएस से हम डेटर का वाटर क्या है प्रीहीट कर लेते हैं या फिर टर्बाइन से जो ब्लीड आता है उससे हम को उसको प्रीट कर लेते हैं। मीन्स दैट कि जो हमारा वाटर डेटर टैंक से आता है वो क्या है ऑलरेडी प्री हीटिंग हुआ होता है। मीन्स दैट कि वो क्या है सेचुरेशन टेम्परेचर ऑलरेडी लिए होता है। तो जैसे ही वो वाटर क्या है अपनी इकोनोमाइजर में जाएगा फर्दर से हीट गेन करेगा तो क्या है वो टेम्परेचर क्या है सपोज दैट कि वो हमारा 145 डिग्री सेल्सियस है तो ऑलरेडी आपको पता है कि भाई 100 डिग्री पे क्या है वाटर बॉइलिंग स्टार्ट होना जाता है। लेकिन क्या है ये चीज़ें अंडर प्रोसेस होती है तो क्या है इसमें क्या है स्टीमिंग नहीं होती। सो दैट क्या है जैसे जैसे हम क्लोज वेसल्स में क्या है प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या हो वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है जो हमारा
इकोनोमाइज़ के थ्रू क्या है, वाटर क्या है, स्टीम ड्रम में जाएगा। तो ये अभी देखो, जो मैंने इससे पहले मैंने एक बात बताई कि भाई किसी भी क्लोज वेसल्स में हम क्या है पानी को हीटअप करें अंडर प्रेशराइज कंडीशंस, तो क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। तो क्या है ये भी जो स्टीम ड्रम अपना वो भी एज ए क्लोज वेसल एक्ट करेगा। तो दोस्तों अभी क्या है, क्योंकि जो अपना सेचुरेशन टेम्परेचर लिए होता है वाटर, क्या है ये क्या है अपना डाउन कॉमर्स में आता है, ये अपना जो डाउन कॉमर्स है डाउन कॉमर्स में आके क्या है अपने बॉटम रिंग हेडर में आएगा। ये क्या आएगा ड्यू टू द ग्रेविटी पुल। तो आफ्टर डेट क्या है यहाँ पे स्पोडेट, यहाँ पे क्या है स्पोडेट हमारा जो टेम्परेचर हो गया वो 180 डिग्री हो गया। तो क्या है फर्दर क्या है, जैसे ही ये वाटर वाल्व पैनल्स के अंदर जाएगा तो क्या है ये फर्दर क्या है इसका सडन फेस चेंज होगा ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि जैसे ही ये 180 डिग्री क्या है इसके फर्नेस में फर्दर हीट गेन किया अंडर द प्रेशराइज कंडीशन, क्या है इसने यहाँ पे क्या है लेटेंट हीट गेन किया, लेटेंट हीट गेन किया तो क्या है इसका क्या है फेस चेंज हो गया। तो दोस्तों जैसे ही फेस चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या है वाटर, सपोज दैट की हम इस ट्यूब की बात कर लें यहाँ पे इसकी हाफ राउंड, तो क्या है दोस्तों जैसे ही फेस चेंज किया तो इसमें क्या है वाटर प्लस स्टीम, तो क्या है ये इसमें अब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों जो और क्या है कि जो डेंसिटी डिफरेंस है ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस क्या है इसमें क्या है डाइवर्जिंग फोर्स लगेगी, डाइवर्जिंग फोर्स लगेगी तो क्या है वो क्या है स्टीम पार्ट स्टीम और वेट स्टीम पार्टिकल्स को क्या है फर्दर से स्टीम ड्रम में लेके जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा कंटिन्यू ये साइक्लिक प्रोसेस ये है क्या है एक सर्कल में प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। क्योंकि क्या है यहाँ से कंटिन्यू वाटर आ रहा है, वाटर है जो स्टीम के जो मिक्सचर से वो क्या है आपको ने देखोगे अपने 50% वाटर रहता है पानी में और 50% में स्टीम सरफेस रहता है। जो वेट स्टीम की जो यहाँ पे ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस जो डाइवर्जिंग फोर्सेस को क्या यहाँ पर यहाँ तक ले गई, तो जो जो अपनी स्टीम जनरेशन हुई तो क्या है वो स्टीम जनरेशन जो वेट स्टीम हम उसको बोलेंगे जो कि हमारी ड्यू टू द लेटेंट हीट गेन करने के बाद हमारी बनी है, तो वो क्या है फर्दर से क्या है अपने प्राइमरी सुपरहीटर सेकेंडरी सुपरहीटर पहले सुपरहीटर में क्या है सुपरहीटेड होके क्या है हमारी मेन स्टीम लाइन तक चली जाएगी। और क्या फर्दर हम या तो टर्बाइन में यूज कर लेंगे या फिर क्या है हम और किसी प्रोसेस में हम इसको यूज कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है कि सर्कुलेशन यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों जो मोस्टली अपने इंडस्ट्रियल बॉयलर होते हैं उनमें क्या है मोस्टली क्या है उसमें जो सर्कुलेशन यूज होता है छह से लेके क्या है अपना 30-30 तक होता है। जो भी हमारे मोस्टली जो इंडस्ट्रियल बॉयलर होते हैं उनमें जो सर्कुलेशन रेशो होता है मैक्सिमम क्या है वो 6-30 तक होता है। तो दोस्तों अभी देखा जाए तो जो हमारी जो मोस्टली जो हाई प्रेशर बॉयलर है जो कि जो नेचुरल सर्कुलेशन के अंदर आता है, दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो नेचुरल सर्कुलेशन होता है इंक्लूडिंग जिसमें स्टीम ड्रम लगा होता है वो 175 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक जो हमारा नेचुरल स्केल सर्कुलेशन होगा वो एप्लीकेबल होगा। तो फर्दर क्या है इसके जैसे कि अपने 175 से लेकर जो 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसमें क्या है पार्सली अपना नेचुरल सर्कल होगा और पार्सली फोर्स सर्कुलेशन होगा। इसको क्या है हमने इसको बोला गया है कि डबल सर्कुलेशन बोला गया है। तो इसमें क्या है इसमें हम क्या है सर्कुलेशन कराने के लिए क्या है ओरिफिक प्लेट्स वगैरह यूज करते हैं या फिर कोई ट्यूब अरेंजमेंट्स हम यूज करते हैं, तो इसको क्या है डबल सर्कुलेशन भी बोला गया है। तो अभी क्या है अभी है फाइनल मीन्स दैट कि वी कैन से फोर्स सर्कुलेशन फोर्स जैसे ही आपने बताया कि फोर्स के इसमें कोई ना कोई क्या है फोर्स लगा दिया जाएगा। तो जैसे दोस्तों फोर्स कौन लगाएगा फोर्स हम क्या है सपोज दैट कि हम जैसे कि है इकोनोमाइजर है इकोनोमाइजर के यहाँ पे क्या है हम एक और बूस्टर पंप ऐड कर देते हैं ठीक है। इसमें क्या है एक चीज आती है कि भाई ये जो फोर्स सर्कुलेशन है वो कितने प्रेशर तक एप्लीकेबल रहेगा। तो दोस्तों जो फोर्स सर्कुलेशन है वो अपना क्या है 200
केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर 260 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक एप्लीकेबल होगा। कि भाई जैसे कि जो अपना सर्कुलेशन और मैक्सिमम क्या है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स में यूज किया जाता है। तो दोस्तों जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स में जो हमारा फोर्स सर्कुलेशन होता है वो क्या है, इनको क्या है हम वंस थ्रू बॉयलर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ड्रम नहीं होता। तो कई बार क्या है वॉइस में पूछ लिया जाता है भाई कौन से बॉयलर में ड्रम नहीं होता, तो ये मोस्टली जो अपने बॉयलर फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है उनसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना, आपको बता देना है कि जी जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं उसमें क्या है ड्रम नहीं होते हैं। तो ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर कौन सी, किस रेंज की बॉयलर्स को हम क्या है सुपर क्रिटिकल बोलेंगे। तो दोस्तों हम क्या है 200 केजी से लेकर जो 260 केजी के अंदर में जितने भी बॉयलर्स आते हैं वो क्या है सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स आएंगे, उसमें क्या होगा फोर्स सर्कुलेशन होगा। दोस्तों क्या है इसमें क्या है जो हमारे ये जो सेक्शन है ना जिसमें कि हमने डाउन कोमर में क्या है थ्रू द वाटर वाल पैनल्स क्या है वाटर जो हीटअप होके गया ड्यू टू द लेटेंट हीट, वो सेक्शन से नहीं होता। तो क्या आपने उसमें आप उसमें देखेंगे जो ये डाउन कोमर्स वगैरह उसमें उस बॉयलर में नहीं होती, तो क्या उसमें वंस थ्रू बॉयलर होता है कि उसमें भी एक बारी से सडनली क्या है जो फेस चेंज होता है कि जैसे कि अपने यहाँ पे वाटर मिक्सचर हुआ इसमें फेस चेंज हुआ, इसमें क्या है डायरेक्ट वाटर तो स्टीम होता है। तो क्या है इसको, इसलिए इसको क्या है वंस थ्रू बॉयलर भी बोला गया है। तो क्या है जैसे ही हमारा, तो इस सर्कुलेशन को इन्हेंस करने के लिए हमें क्या है यहाँ पे बूस्टर पंप लगाना पड़ता है। तो दोस्तों ये तो थी कि भाई फोर्स सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। अभी आपने बोला होगा कि सर आपने सभी सर्कुलेशन के बारे में बता दिया, लेकिन एक्चुअल में सर्कुलेशन रेशो होता क्या है आपने अभी तक नहीं बताया। दोस्तों मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों वैसे हम देखा जाए तो जो सर्कुलेशन रेशो की जो डेफिनेशन होगी वो होगी द रेशो ऑफ वेट ऑफ वाटर मिक्सर टू द वेट ऑफ स्टीम मिक्सर विच रिलीज द टेकिंग द हीट फ्रॉम द वाटर पैनल्स। कि भाई जो जो वेट है जो कि बॉयलर ड्रम से जो वेट जो वाटर वेट लेकर आया है और जो ड्यू टू द फेस चेंज आफ्टर गेनिंग द लेटेंट हीट, तो क्या है जो जो वाटर मिक्सर हमें मिला है वेट ऑफ उसका वेट, तो उनका जो रेशो है उस रेशो को क्या है हमने सर्कुलेशन बोला है। तो ये होगा वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ स्टीम मिक्सचर, तो इसको क्या है सर्कुलेशन रेशो बोला गया है। ये क्या है जो जनरली क्या है जो सभी बॉयलर्स के लिए है कि 6 से 30 जो क्या है वो अपना सभी जो हाई प्रेशर बॉयलर्स होते हैं जो सभी यूटिलिटी बॉयलर्स होते हैं उसमें क्या है ये अपना 6 से 30 तक क्या है सर्कुलेशन रेशो यूज़ किया जाता है। और जो अपना जो हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं वो क्या है वो उनमें सर्कुलेशन 6 से 9 तक वेरी करता है। तो ये 6 से 9 क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सपोज दैट कि भाई हमारा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ एज ए सिंपल लैंग्वेज में ताकि आपको क्लियर हो सके। जैसे कि हमारा डाउन कोमर से जो वाटर रिंग हेडर पे आया और फर्दर वाटर वाल पैनल्स के थ्रू क्या है ये क्या है ये वंस टाइम क्या है इसने सर्कुलेशन किया, आफ्टर दैट फिर फर्दर क्या आएगा। तो इस वन सर्कुलेशन में क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट कि यहाँ से एक टन पानी क्या है इसमें डाउन कोमर में आया और क्या है फर्दर क्या है इस वन टन में से क्या है 0.25 टन क्या है स्टीम बन गया। तो ऐसे ही यदि हमें एक टन स्टीम बनानी होगा तो क्या है हमें इस एक टन पानी का सपोज दैट कि इसी जो ये पाइपलाइन है इनमें से क्या है एक टन ही पानी आता है, तो क्या है इस एक टन पानी को हमें एक टन स्टीम तक बनाने के लिए क्या है हमें 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा तभी हमारा एक टन आएगा, तो क्या है 1 टन आएगा। तो दोस्तों क्या है इसका सर्कुलेशन क्या हो गया कि भाई 4 टन
सॉरी फोर टाइम हमें क्या है इसका सर्कुलेशन करना पड़ेगा, तो तभी हमारा क्या है एक टन स्टीम जनरेट होगा। तो इसी तरीके से क्या है भाई, ये जो 6 से 9 है जो हमारे सुपरहीटर बॉयलर है उसका क्या सर्कुलर रेशो 1 होता है, क्योंकि उसमें फेस चेंज नहीं होता, वो वंस थ्रू उसमें सर्कुलेशन नहीं होता। तो क्या है सडनली क्या है इधर से वाटर आया, सडनली से फेस चेंज हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हुआ क्या है और सीधे ही टू द टर्बाइन हमने भेज दिया। तो क्या है उसका सर्कुलेशन क्या हो गया 1, जो सुपरक्रिटिकल बॉयलर्स का सर्कुल। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ लेते कई बार इंटरव्यू में कि भाई जो सुपरक्रिटिकल बॉयलर होते हैं उनका सर्कुलेशन रेशो क्या होता है। कि भाई यहाँ पे तो मैंने आपको जो सर्कुलेशन बताया इस एग्जांपल में यहाँ पे तो 4 है, लेकिन इसमें तो स्टीम ड्रम है, लेकिन क्या है इसलिए यहाँ पे ये सर्कुलेशन हुआ, लेकिन सुपरक्रिटिकल बॉयलर्स में ड्रम नहीं होते, तो क्या है उसका जो सर्कुलेशन क्या होगा, वो तो भाई सीधा आके सीधा निकल गया, तो क्या है वो यहाँ पे सर्कुलेट नहीं हुआ। तो क्या है उसका सर्कुलेशन रेशो क्या है 1 हो गया, आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरीके से क्या है जैसे हमारे हाई प्रेशर बॉयलर उसमें क्या है सर्कुलेशन 6 से 9 तक वेरी करता है, डिजाइन टू डिजाइन डिपेंड करते हैं, किसी का डिजाइन कैसे किसी का डिजाइन कैसे। तो क्या है ये 6 से 9 का मतलब ये कि भाई 6 बार उसको राउंड अप करना पड़ेगा एक टन स्टीम जनरेट करने के लिए। तो क्या है उसका सर्कुलेशन के रेशो क्या है 6 है, कि भाई उसको 6 बार रोटेट सर्कुलेट करना पड़ेगा ऐसे करके, तब जाके वो एक टन स्टीम जनरेट करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही ये सर्कुलेशन रेशो यहाँ पे हमने बताया, लेकिन इसके साथ साथ क्या है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सर्कुलेशन रेशो को क्या है अफेक्ट करती है। तो जैसे कि यहाँ पे स्पोदेट की जैसे हमारे डाउन कोमर से जो वाटर वाइपान आया, जो ये यहाँ पे बैंड है ठीक है, क्या है यहाँ पे क्या फ्रिक्शन रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं। तो क्या है जो कि जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है क्या हमारे जो सर्कुलेशन रेशो को इफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं जो हमारे बॉयलर डिजाइनर से, ताकि यहाँ पे मिनिमम फ्रिक्शन लॉस हो सके, क्योंकि ये सर्कुलेशन एरिया है, तो क्या है मिनिमम फ्रिक्शन लॉसेज हो सके। तो क्या है उसमें वो क्या है इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं जो ये सर्कुलेशन रेशो है उसी के अकॉर्डिंग डिसाइडेड किया जाता है, ताकि है क्या है हमारा जो वाटर प्लस स्टीम मिक्सर जो बनता है वो क्या है वो हमारे जो यहाँ पे अपना हेड अवेलेबल है तो क्या है वो इजिली से वहाँ तक पहुँच सके। जो और जो कि यदि हमारा जो जो वाटर मिक्सड जो हाइट तक ही नहीं पहुँचेगा तो क्या है उसमें क्या हमारे चांसेस क्या है जो फायर फ्रिक्शन लॉसेस हो सकेंगे, और जिससे हमारे क्या है जो वाटर क्वांटिटी मिलनी चाहिए थी हमें जो ट्यूब्स हैं वो नहीं मिल पाएगी, जिससे हमारी ट्यूब क्या है ओवर हीटेड हो जाएंगी, और ओवर हीटेड होंगी तो क्या है फायर फर्दर क्या है वो पंचर हो जाएंगी। तो जब भी डिज़ाइनर बॉयलर डिज़ाइन करते हैं तो इन सारी चीज बातों का वो कंसीडर करके चलते हैं कि किस तरीके से इसका कितनी इंच का इसका डाया रखना है, डाउन कोमर का डाया कितना रखना है, उसमें बैंड किस एंगल का देना है, तो क्या है वो सारी चीज़ें वो कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ बातें सर्कुलेशन के बारे में। आई होप आपको जो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया आपको क्लियर हुआ होगा। यदि फर्दर आपको लगता है कि कोई डाउट्स है इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प जरूर करेंगे वहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, और फर्दर इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप पहली बार ही देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से क्या मैं पॉप रॉन्स रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो कि आपके करियर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो आपकी वाइवा वाइसेस इंटरव्यू के लिए वाइवा वाइसेस होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये वीडियो। तो दोस्तों अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यदि नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक बटन जरूर दबा के जाइए, और यदि आप मेरे पुराने यूजर्स हैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो का टारगेट हम 50 लाइक रखते हैं, तो यदि आप ये लाइक्स का जो टारगेट है विद इन 10 डे यदि कंप्लीट कर देते हैं तो छोटा सा टारगेट है, यदि लाइक करने का आपसे कोई पैसा नहीं लगता। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि हमारे वीडियोस को देखने वाले बहुत ज़्यादा है लेकिन सब्सक्राइब करने वाले काफ़ी कम हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पे वो एनालिटिक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि 70-74% लोग मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि दोस्तों यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भाई को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, यदि आपको मोटिवेशन मिलेगी तो जिस तरीके से मैं गैप थोड़ा सा ज़्यादा करके मैं वीडियो डालता हूँ वो गैप करके
जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा यदि आप ये टारगेट को आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो। तो दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।